बीते कुछ दिनों से गूगल को लेकर काफी सारी टॉक्सिक न्यूज सामने आ रही है। जैसे कि कंपनी से एम्प्लॉयज को निकालना, बट देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब सब निकाल रहे हैं गूगल भी निकाल ही रहा है। बट इसके बाद आता है चैट जीपीटी। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, एक एआई बेस्ड चैट सॉफ्टवेयर जो आपके क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में तो नहीं, हालांकि मिनटों में जरूर दे देता है। द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस कि अभी इस पर बहुत सारा लोड है। बात करें चैट जीपीटी की, तो रूमर्स की माने आने वाले 2 साल में चैट जीपीटी गूगल का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव होने वाला है। अब ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जीमेल के फाउंडर पॉल बर्चेट ने कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि गूगल को चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव जल्द से जल्द तैयार करना होगा। और अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बता दूं, ओपन एआई को और कोई नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट खुद सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है डायरेक्ट टक्कर होने वाली है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। हालांकि गूगल सर्च के पास डेटा बहुत है, जितना आसान दिखता है उतना नहीं है, बट फिर भी एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी से गूगल इतना खौफ में है कि आनन फानन में इन्होंने निकाल दिया अपना खुद का एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बैड। हालांकि गूगल एआई टेक्नोलॉजी पर साल 2017 से ही काम कर रहा है, बट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था कि कुछ फर्दर रीजन की वजह से इसको बीच में रोकना पड़ गया था। अब गूगल ने अपने ब्लॉग स्पॉट के साथ बढ़कर एक डेमो शूट किया, अनफॉर्चुनेटली जो इनकरेक्ट था, और इसकी वजह से गूगल को काफ़ी नुकसान भी हुआ। इसमें बेसिकली क्या था, बर्ड को एक टास्क दिया गया कि मैं अपने 9 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड को नासा जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बता सकता हूँ। अब इसके जवाब में एक पॉइंट ये आता है, नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप को पहली बार अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट यानी कि एक्सो प्लैनेट के इमेज लेने के लिए यूज किया गया था, जो कि इनकरेक्ट था। जबकि एग्जॉस्ट प्लैनेट के सबसे पहली इमेज यूरोपियन सदर्न एक्सप्लोरेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से 2004 में ली गई थी। अब इस बात को नासा ने भी कंफर्म किया है। इसके रिस्पॉन्स में गूगल के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि इसके लिए हमें अभी रिग्रेस टेस्टिंग प्रोसेस की जरूरत है, और जिसको हम ऑलरेडी किक स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी डेमो फेस में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक गलती का हर्जाना गूगल को $100 बिलियन से चुकाना पड़ा। अल्फाबेट के शेयर 8% तक रातों रात गिर गए, और हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखा जाए तो गूगल का मेन रेवेन्यू सोर्स 75% सर्च इंजन से ही आता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ 9%। बट अब माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को अपना सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट कर चुका है, और उसके साथ ही क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउजर ऑलरेडी क्रोम को काफ़ी टक्कर दे रहा है। और उसके साथ ही अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह भी कहा है कि गूगल के हर एम्प्लॉय को कम से कम 4 घंटे बर्ड के साथ बिताने जरूरी है, ताकि वो और ज़्यादा एनहेंस हो सके। अभी रिसेंट बैड न्यूज़ आती है गूगल के लिए इंडिया से। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है, तो दैट्स वाई अब जो रूल रेगुलेशन है इंडिया ने लगाए हैं वो गूगल के ऊपर, अब उन्हें वो मानने होंगे। चलिए देखते हैं, गूगल ने खुद कहा है कि गूगल के पास कोई रास्ता नहीं है बात मानने की। तो एक्चुअली बात क्या है, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, आप चाहे सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, नथिंग का हो, या फिर MI का हो, रियलमी का हो, किसी भी कंपनी का हो, उसमें गूगल के ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल जरूर मिलेंगे, और साथ ही गूगल का सर्च इंजन कुछ इस तरह का। इतना नहीं, दुख की बात तो ये है कि आप इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जब चाहे गूगल ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो और अपने मन मर्जी का सर्च इंजन यूज कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर बींग सर्च इंजन को एक लिटिल बिट अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। सिर्फ इंडिया नहीं, यूरोपियन कंट्री भी चाहती है कि गूगल पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, तो ये रूल रेगुलेशन वहाँ पर भी फॉलो किए गए हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, बट अब इसके बाद गूगल को ये भी कहा गया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर को उनके खुद का OS बनाने के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप जानते हो, MI हो, सैमसंग हो, नथिंग हो, रियलमी हो, एंड्रॉयड हो, उनका OS होता है खुद का। आप देखना कभी ध्यान से कि उसमें गूगल का भी मिक्सअप होता है। ऐसा इसलिए है कि गूगल की लंबी चौड़ी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इन कंपनीज को, इन मोबाइल मैन्युफैक्चरर को फॉलो करनी पड़ती है। हाल फिलहाल बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, गूगल को अपना बिलिंग सिस्टम यानी कि जीपे में भी चेंजेस करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, वहाँ पर दूसरी ऐप पर जब आप टैप करते हो, जैसे कि पेटीएम, फोनपे, तो एक लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब आप गूगल पे पर टैप करते हो, तो डायरेक्टली कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी ऐप, जब भी आप डाउनलोड करते हो, कुछ आपको ऐसा थ्रेड मैसेज दिखाया जाता है। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ को भी गूगल को हटाना होगा, आपको कोई थ्रेड वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी ऐप्स को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। गूगल ऐप डेवलपर के लिए गूगल बिलिंग सिस्टम वो आज की डेट में कंपलसरी है, तो गूगल को यहाँ पर उसे भी हटाना होगा। एक्चुअली इंडिया ने गूगल पर आरोप लगाया था कि गूगल मैसिव तौर पर डेटा कलेक्ट कर रही है, और यहाँ पर गूगल का कहना है कि ये जितने भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं, पेनल्टी लगाई गई हैं, वो सारी बेबुनियाद है, और हमारी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन से ना तो यूजर्स को
ना कंपनी को ना डेवलपर को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट CCI के कहना है कि गूगल जबरदस्ती बड़े मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो इस चीज के लिए जरूरी है। और साथ ही इंडिया गूगल पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, दैट्स व्हाई इंडिया ने अपना भार OS लॉन्च किया है। बट देखा जाए तो ऐसा चेंज गूगल पर पहली बार नहीं हुआ और ऐसे एलिगेशन पहली बार नहीं लगे आए। यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा हो चुका है, बट इससे गूगल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। बट देखा जाए तो अब बात कुछ और है। OS का तो पता नहीं, बट सर्च इंजन के तौर पर जरूर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं क्या मानता हूं कि गूगल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर अलोन अंकल कुछ लॉन्च कर दें ऐसा। तो AI, ChatGPT, लेऑफ और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया की तरफ से, तो इन्हीं सब के बीच एक खबर और आती है, एक एलिगेशन और आता है गूगल के ऊपर, गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय की तरफ से, जहां पर शेष शास्त्री जो कि एक गूगल को वर्कर है, अब आज की डेट में नहीं है, तो गूगल के टॉक्सिक एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर और मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाया उन्होंने। शेष शास्त्री ने ये दावा किया कि गूगल अब वो कंपनी नहीं रही है जहां पर लोग पहले काम करने के लिए मरे जाते थे। इस कंपनी का आज की डेट में कोई विजन ही नहीं है, ये पहले की तरह कोई काम नहीं करती है, रिस्क लेने से डरती है, वो अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहती है। इसके अलावा एलिगेशन लगाए गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि कोई एम्प्लॉय अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मिसमैनेजमेंट है, काफ़ी सारे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं शेष शास्त्री ने। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है गूगल को इन सब चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ ChatGPT से, क्योंकि ChatGPT जो OpenAI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का हाथ थाम लिया और माइक्रोसॉफ्ट फुल सपोर्ट कर रहा है उन्हें, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास फंड की कोई कमी नहीं है। तो देखा जाए तो मे भी आने वाले टाइम में इन्हें फुल टक्कर मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं एक बार नीचे कमेंट करके बताइए। बट टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।